बॉडी को हेल्दी रखने एंड उनकी बेटर फंक्शनिंग के लिए हमें सफिशियंट क्वांटिटी में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स। इन्हीं में से एक होता है विटामिन B12, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें हर दिन इसे लेने की जरूरत होती है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट होता है एंड ये नॉनवेज, पनीर एंड एग्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, उनके अंदर इसकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन B12 के फायदे क्या होते हैं एंड अगर इसकी कमी आपके बॉडी में हो गई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके फायदे क्या है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है कि RBC के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी बॉडी है वो बिना रेड ब्लड सेल्स के ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक कैरी नहीं कर सकती है एंड विटामिन B12 रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो बॉडी में RBC की भी कमी हो जाती है, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। दूसरा है, ये DNA के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थर्ड है, ये बर्थ डिफेक्ट्स को रोकता है। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने की सलाह ज्यादा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेट में पल रहा जो बच्चा होता है उसके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 की काफी जरूरत होती है। विटामिन B12 बोन्स के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। ये बोन्स में होने वाली ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या को भी होने से बचाता है। दूसरा है कि ये हमारे आईज के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों को आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, लेकिन विटामिन B12 का सेवन अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो ये आपके आईज को भी हेल्दी रखता है। डिप्रेशन से भी ये हमें बचाने का काम करता है। ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हेल्दी रखता है, स्ट्रेस से बचाता है एंड ये स्लीप रिलेटेड भी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी ये हमें बचाने का काम करता है। वेट को भी ये बैलेंस रखने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे आप जो कैलोरी इनटेक करते हैं वो जल्दी बर्न होता है और आपकी बॉडी में ज्यादा फैट जमा नहीं होती है, जिससे आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है। देखा जाए तो जितने वाटर सॉल्युबल विटामिंस होते हैं ये हमारी बॉडी में एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं। ये हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये कम करने का काम करता है, जैसे होमोसिस्टीन के लेवल को कम कर देता है, जिससे हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये हमारे हेयर, नेल्स एंड स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। अगर आप विटामिन B12 का सेवन करते हैं तो आपके हेयर, नेल्स एंड स्किन भी हेल्दी रहते हैं। अब हम जानेंगे कि विटामिन B12 के सोर्स क्या हैं, यानी कि किन किन चीजों से आपको विटामिन B12 मिल सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन वेजिटेरियंस से। ये एनिमल प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे मीट, मटन, चिकन, बीफ, पोर्क, फिश, इन सभी चीजों में ये काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो भी नॉन वेजिटेरियंस है उनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी ज्यादातर नहीं होती है। दूसरा है वेजिटेरियंस। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन करके अपने बॉडी में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे दूध, खोया, पनीर, चीज, दही, इन सभी चीजों में भी काफी अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 मिलता है। कुछ लोग वीगन डाइट लेते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, यानी कि किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स को वो टच नहीं करते हैं। उनके लिए ओट्स, सोयाबीन, ब्रोकली एंड वेजिटेबल्स का सेवन करके वो इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि इनको अदर सप्लीमेंट्स भी लेना पड़े क्योंकि इनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे। सबसे पहला है कि हाथ और पैर में झंझनाहट टाइप होना। आपने देखा होगा कि ये समर्स में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाथ और पैर में बेचैनी जैसी महसूस होती है, झंझनाहट टाइप लोगों को फील होती है। ये ऐसे लोगों में ज्यादा होता है जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। हमेशा आपको हाथ पैर में दर्द सा महसूस होगा। दूसरा है, आप एनीमिक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आप एनीमिक हो सकते हैं, यानी कि आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी बॉडी येलोइश सी लगेगी,
तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पीला पंसा हो गया है, येलोइशनेस दिख रही है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसकी कमी से आपको हमेशा हेडेक सा बना रहता है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने में कोई चीज प्रॉब्लम होगी, हमेशा आपको कंफ्यूजन की स्टेट बनी रहेगी, फैटीग यानी कि थकावट बहुत ज्यादा होती है। आप अगर खाना खा भी लें तो भी आपको हमेशा थकावट सी महसूस हो सकती है। माउथ अल्सर की भी प्रॉब्लम कई सारे लोगों को हो जाती है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको माउथ अल्सर भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको रिकग्नाइज करने होंगे अपनी बॉडी में। एंड अगर आपको लगता है कि ये सभी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीजें आगे चल के किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड दूसरों तक भी जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अवेयर हो सके। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच एवरीवन।